बैलेड इसमें होता है लोकगीत, तो इसी के बारे में हमें जानना है। लिटरेरी बैलेड का भी मीन्स बैलेड ऑफ आर्ट का भी एक माइनर फॉर्म है मॉक बैलेड। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव सोशल ग्रुप्स के लोग अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को डांस के थ्रू प्रेजेंट करते थे, और डांस करते वक्त वो कुछ हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर। गाइस, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैलेड। व्हाट इज बैलेड, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने काइंड्स होते हैं बैलेड के, और कौन कौन से बैलेड्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बी ए सेकेंड सेमेस्टर, आपका पेपर है इंग्लिश पोइट्री, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो उसमें सोनेट, एलजी, ओड, एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आज हमें स्टडी करना है बैलेड। सोनेट, एलजी, ओड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाके वॉच कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो बैलेड। अगर आप यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं, आपका पेपर है इंग्लिश पोएट्री, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हमें बैलेड को स्टडी करना है। तो वॉट इज बैलेड, बैलेड ये लेट लैटिन और इटालियन वर्ड बैलरे से लिया गया है, या फ्रेंच वर्ड बॉलर है उसी से डिराइव किया गया है। उसे यहाँ राइट कर देती हूँ, लेट लैटिन वर्ड एंड इटालियन वर्ड बैलेरी एंड फ्रेंच वर्ड है बॉलर। इन दोनों वर्ड से इसको डिराइव किया गया है बैलेड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लोकगीत। अब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे बैलेड इसमें होता है लोकगीत, तो इसी के बारे में हमें जानना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन दोनों वर्ड से इसको डिराइव किया गया है एंड इनकी मीनिंग होती है टू डांस, नृत्य करना, तो यहीं से इसको लिया गया है। एंड ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन होता है, किसी कैरेक्टर की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन इसमें होता है, किसी कहानी को ये सुनाता है, और ये पब्लिक रूप में एक गाई जाने वाली एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी स्टोरी का नरेशन होता है, एक शॉर्ट सिंपल नरेशन होती है, और इसकी ओरिजिन हुई थी कम्युनियल डांस से सामुदायिक नृत्य से, कम्युनियल डांस ओरिजिन। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव सोशल ग्रुप्स के लोग अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को डांस के थ्रू प्रेजेंट करते थे, और डांस करते वक्त वो कुछ वर्ड्स चैंट करते थे, बाद में ये वर्ड्स उनके ट्रेडिशन का पार्ट बन गया और वहीं से ही बैलेड का बर्थ हुआ। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड, बैलेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बैलेड को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री माना जाता है, जितनी भी पोइट्रिक फॉर्म है लाइक सोनेट, एलजी, ओड, इन सब में सबसे जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्रिक है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो है बैलेड। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, बैलेड को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री माना जाता है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, सो आंसर इज बैलेड। एंड जोसेफ एडिशन ने बैलेड को द डार्लिंग सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल बताया है, द डार्लिंग सॉन्ग ऑफ कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल का फेवरेट सॉन्ग होता है। बाद में इसमें कुछ चेंजेस हुए, तो जो गुड हार्ट रग होते थे उनके गुड वर्क्स को एक्सप्लेन किया जाता था, फॉर एग्जाम्पल रॉबिन हुड के बैलेट। एंड आफ्टर दैट इन इंग्लैंड आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद उस टाइम के करंट टाइम के जो भी इंसिडेंट होते थे उनको बैलेट में यूज़ किया जाता था। प्यूरिटन एज में और 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल बैलेट राइट किए गए हैं,
और इसके बाद नेचर्स का भी बैलेट में यूज किया गया है और बाद में बैलेट्स फिलोसॉफिकल हुए हैं। एंड इफ टॉक अबाउट दी कैरेक्टराइजेशन, इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं बैलेट में, ये समाज के सभी वर्गों से लिए जाते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे नोबल क्लास के कैरेक्टर्स हों या लो क्लास के कैरेक्टर्स हों। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस सिटिंग, अगर इसके प्लेसेस की बात करें तो इसमें प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन तो होता है, वर्णन तो होता है, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीडर्स को नहीं मिलता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिंपल होती है, सिंप्लिसिटी इसका इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स है बैलेट का। एंड ये म्यूजिकल भी होती है, मेलोडियस भी होती है। जैसा मैंने आपको भी पहले ही बताया है कि ये फ्रेंच वर्ड बॉलर से ली गई है, जिसकी मीनिंग ही होती है टू डांस, तो म्यूजिकल ही होगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी, तो इसमें राइटर का अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, कोई पर्सनल थॉट नहीं होता है, वो सिंपली स्टोरी को सुनाता है, उस कैरेक्टर्स के स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, कहानी सुनाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बैलेट्स, बैलेट्स के काइंड्स की बात करें तो टू टाइप्स के बैलेट होते हैं, काइंड्स ऑफ बैलेट। सो फर्स्ट वन इज पॉपुलर बैलेट BALLED बैलेट, इसको ऑथेंटिक बैलेट, फोक बैलेट और बैलेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, फोक बैलेट, बहुत सारे नाम हैं इसके, बट मोस्टली आपको ध्यान रखना है मोस्ट पॉपुलर बैलेट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज पॉपुलर बैलेट, ऑथेंटिक बैलेट, फोक बैलेट भी इसको कहते हैं, एंड ग्रोथ ऑफ बैलेट भी इसको बोला जाता है। सेकेंड इज लिटरेरी बैलेट, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, लिटरेरी बैलेट को बैलेट ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, लिटरेरी बैलेट को बैलेट ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, बैलेट ऑफ आर्ट, जिस तरह से इसको बैलेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, बैलेट ऑफ ग्रोथ। पॉपुलर बैलेट उस टाइम को बिलोंग करते थे जब रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं था, दिस वन फर्स्ट वाला जो काइंड है, ये उस टाइम से बिलोंग करते थे जब रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं था, मीन्स लोग ओरली एक दूसरे को सुनाते थे, पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, ओरल फॉर्म में ये ट्रांसमिट किया जाता था। आदिवासी समूह के लोग आग चला के उसके चारों ओर बैठ के एक दूसरे को ये बैलेट गाते थे, सुनाते थे, अपना एंटरटेनमेंट करते थे, उनका एक एंटरटेनमेंट का ये पर्पज़ था। एंड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेट्स हैं इस टाइप के पॉपुलर बैलेट के, द चेवी चेस, द वाइफ ऑफ असर्स विल एंड नट ब्राउन मीट, ये पॉपुलर बैलेट के कुछ इम्पॉर्टेंट बैलेट्स हैं। एंड नेक्स्ट इज लिटरेरी बैलेट, दिस वन लिटरेरी बैलेट, बैलेट ऑफ आर्ट भी इसको बोलते हैं। इस टाइप के पॉपुलर बैलेट्स हैं, पॉपुलर बैलेट्स के इस टाइप के बैलेट्स हैं माइकल ड्राइडन का बैटल ऑफ अग्निकोट, स्कॉट का द ईव ऑफ सेंट जॉन, एंड एसटी कॉलरिज का द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, कुबला खान एंड क्रिस्टाबेल, एंड जॉन किट्स का बैलेट ला बेले डेम्स एंड मर्सी, दिस इज़ वेरी पॉपुलर, आप सभी जानते हैं। एंड अभी तो आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, आप आगे क्लासेस में जानेंगे। एंड लॉर्ड टेनिसन का द लेडी ऑफ शैलॉट, ये सभी पॉपुलर बैलेट्स हैं। एंड जिस तरह से मॉक हीरोइक एपिक था, एपिक का एक माइनर फॉर्म था, उसी तरह से लिटरेरी बैलेट का भी, मीन्स बैलेट ऑफ आर्ट का भी एक माइनर फॉर्म है मॉक बैलेट, इसमें कॉमिक्स थीम्स होते हैं, सॉरी नॉट मॉक एपिक, मॉक बैलेट। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जॉन गिल्पिन, इसे काउपर ने लिखा है, काउपर का जॉन गिल्पिन, ये मोस्ट पॉपुलर मॉक बैलेट है, मोस्ट पॉपुलर मॉक बैलेट। एंड एक और भी है मॉक बैलेट, विलियम मॉरिस का टू रेड रोजेस अक्रॉस द मून,
across the moon. William Morris Kiley. मॉक बैलेट के थीम कॉमिक होते हैं एंड ये ह्यूमरस और सटायरिकल वे में इसको राइट किया जाता है, जिस तरह से मॉक हीरोकेबिक होता था. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो दैट द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ बैलेट्स केम इन 1765 बिशप पर्सी के थ्रू आया. बुक का नेम है रेलिक्वाइज ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री. एंशियंट इंग्लिश पोइट्री रिलीक्वाइज ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री बिशप पर्सी ने इसको लिखा था. बिशप पर्सी इस बुक का रोमांटिक रिवाइवल में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है. वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ पे इस बुक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. सो इस प्रकार से हमने जाना कि बैलेट्स की ओरिजिन फोक लेजेंड एंड फोक स्टोरीज से हुई है एंड ये पिजन क्लास का एक पिकुलियर हेरिटेज रहा है, उनकी विरासत रही है. चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, दोनों कंट्रीज में इसका ग्रेट ट्रेडिशन रहा है बैलेट का. और इसके साथ साथ इंडिया में भी बैलेट का ग्रेट ट्रेडिशन रहा है. इंडिया के सभी स्टेट्स में बैलेट्स गाए जाते हैं. सो आज की इस वीडियो में हमने बैलेट के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज. एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपकी स्टडी के लिए. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल. गॉड ब्लेस यू.